दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई महिलाएं हैं जो किसी न किसी वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। वैसे तो आमतौर पर लोगों को अच्छे कामों के लिए प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने वैसीपने की वजह से जानी जाती थी। कम उम्र में विधवा होने के बाद उसका जो चेहरा सामने आया उसे शायद ही कोई लोग भुला पाए। इस महिला का नाम था दरिया निकोलियवना सालितकुवा। 1730 में जन्मी सालितकुवा रूस के एक अमीर परिवार की बहू थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही साल हुए थे कि किसी कारणवश उसके पति की वर्ष 1755 में मौत हो गई। उस समय सालितकुवा की उम्र महज 25 साल थी। पति के मौत के बाद उसे विरासत के रूप में एक बड़ी संपत्ति और 600 से अधिक सेवक मिले, जिसके साथ वो ऐसो आराम की जिंदगी गुजारने लगी। कहते हैं कि बेशुमार संपत्ति के साथ सालितकुवा उस समय मॉस्को की सबसे अमीर विधवा बन गई थी। थी कि मौत से पहले वो काफी धार्मिक और दयालु किस्म की महिला मानी जाती थी, लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक ऐसा बदलाव आया जिसने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इस बदलाव के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग माना जाता है। दरअसल पति की मौत के बाद सालितकुवा काफी अकेला महसूस करने लगी थी। इसी बीच एक शख्स से उसकी जान पहचान हुई और बाद में दोनों के बीच प्रेम हो गया। लेकिन एक दिन सालितकुवा को पता चला कि उसके प्रेमी की किसी और महिला से भी संबंध है, जिससे वो चुपके चुपके शादी भी कर चुका है। इस खबर से सालितकुवा को गहरा धक्का लगा और उसने गुस्से में अपने प्रेमी को इतना मारा कि वह अधमरा हो गया। हालांकि किसी तरह उसकी जान बच गई। यह सालितकुवा की बर्बरता की शुरुआत थी। इसके बाद वो अपना गुस्सा अपनी महिला सेविकाओं पर निकालने लगी। सालितकुवा की बर्बरता इतनी बढ़ गई कि वह बच्चियों और गर्भवती महिलाओं के साथ भी दरिंदगी दिखाने लगी। वो पीट पीट कर उनकी हड्डियां तोड़ देती या उनके शरीर पर खोलता हुआ पानी डाल देती। इससे भी मन नहीं भरता तो वो पीट पीट कर उनकी हत्या कर देती। कहते हैं कि ऐसा करके उसने 100 से ज्यादा हत्याएं की। अब यूं कि सालितकुवा एक अमीर महिला थी, इसलिए उसकी पहुंच शाही दरबार के ताकतवर सदस्यों तक भी थी। लिहाजा जब भी कोई उसकी बर्बरता की शिकायत महल में करता तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता। लेकिन जब काफी संख्या में पीड़ितों के परिवार वालों ने हंगामा मचाया तो बात रूस की रानी कैथरीन द्वितीय तक पहुंची। इसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए। साल 1762 में सालितकुवा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 38 सेविकाओं की हत्या का दोषी पाया गया। हालांकि जांच में 138 संदिग्ध मौतों की पुष्टि हुई थी, लेकिन सबके सबूत नहीं मिल पाए। अब यूं कि रूस में उस समय मौत की सजा का प्रावधान नहीं था, इसलिए सालितकुवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसे एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधकर रखा गया। उस कमरे में एक खिड़की तक नहीं थी। उसको उस रूम में 11 साल तक कैद रखा गया। इसके बाद इसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, जहां 27 दिसंबर 1801 को 71 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अगर आपने अभी तक इन्फो क्रिएटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।